हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके सामने ईद मेकअप लेके आए हैं और हम इवनिंग मेकअप वेयर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो देखते कैसा है। तो उसके पहले के सारे रूटीन किए हैं? हाँ, मैंने फेस को अच्छे से धो लिया था और फिर टोनर यूज़ किया और फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। तो अब प्राइमर यूज़ करेंगे, डॉट डॉट करके जहाँ पर आपका पोर्स है, ओपन पोर्स, वहाँ पर भी, गले में भी लगा लेती हूँ क्योंकि यह हाइलाइटर वाला है। तो फिर अच्छे से लगा लो अच्छे से लगा लो ताकि सब जगह हाईलाइट होते रहे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाईलाइट देखिए, मुझे तो फोन में ग्लो दिख रहा है। मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है, यही लगाओ के बैठ जाते हैं बस। इसका ये लिक्विड कंसीलर है, वो यूज कर रही हूँ अपने अपर लिड पे अच्छे से। तो मैंने कंसीलर अच्छे से लगा लिया है, अब मैं आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। तो मैं पाउडर आई शेडो से ही ये वाला जो ब्राउन शेड दिख रहा है आपको, उसी से फिल कर लूँगी क्योंकि मेरा जो आईब्रो का कलर है ब्राउन है, वो ब्राउन ही है, वो ब्लैक नहीं है। तो इसलिए तो लगाएगी तो भुतनी हो जाएगी। तो एक एंगल ब्रश के साथ तो मैंने दोनों आँख के आईब्रोज फिल कर लिए। तो इसको कुछ अच्छे से डिफाइन करेगी? और हाँ, मैं कंसीलर से ये एरिया को डिफाइन कर लूँगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा और अच्छा क्लियर एकदम दिखेगा और साफ लगता है, फिर थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे इतना पसीना आ रहा है और ये तो पसीने की दुकान है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा पसीना मेरे फेस पे ही आ रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, ऑलरेडी आ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर भी मैंने आई स्क्रब रब किया था, मुझे उतना थोड़ा फेस पे कम आता है। अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो कंसीलर मैंने लगाया, तो मैं लूज पाउडर से इसको, इस कंसीलर को सेट कर लेती हूँ। ये ब्लू हेवन का लूज पाउडर है और बहुत अच्छा भी है। अच्छा है ये, मेरे पास भी है, बहुत अच्छा है ये। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आई शेडो लगा रही हूँ और मैं आज ये डार्क पर्पल यूज़ कर रही हूँ। और ये इसका ड्रेस का मैचिंग है? हाँ, क्योंकि इसके ड्रेस में पर्पल है तो मैचिंग है। और ये ऐसा पर्पल कलर फर्स्ट टाइम कर रही है? फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पता नहीं कैसा दिखेगा लेकिन अच्छा ही दिखेगा, देखते हैं कैसा दिखता है। इसलिए मैंने एक ही शेड लिया है, मतलब एक ही कलर करूँगी। आपका ड्रेस की मैचिंग के संग जैसा ड्रेस है ऐसा कर सकते हैं। तो मैं ना ये आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी और बस ये जो लिड दिख रहा है ना, इतना ही करूँगी, उसके ऊपर नहीं जाऊँगी, उसके ऊपर हाइलाइटर लगा दूँगी। और इसका मेकअप थोड़ा सा हैवी मेकअप होगा रात के टाइम के लिए, और मेरा मेकअप जो है थोड़ा लाइट है दिन के लिए। अगर आपको मेरा मेकअप को देखना है तो आप कमेंट करके बताइए, तो हम उसका वीडियो आपको बना के दिखाएंगे कि हम, मैंने कैसे आई शेडो लगा लिया है। ये आँख का मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये आँख का ब्लेंड अभी करूँगी आपके सामने। दोस्तों, ऐसा लग रहा है किसी ने इसको मुक्का मार दिया आँखों में। चुप रहे, जब मैं अच्छे से हो जाएगा ना ब्लेंड, तब देखना कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अभी एक बार तो ना डार्क ग्रीन में भी करना है। है ही नहीं, पर पैलेट ही नहीं है डार्क ग्रीन। पहले तो मंगाना पड़ेगा फिर करेंगे। अभी हमारे पास उतने शेड है नहीं जितने की कर सके हम। हाँ, ये तो ढूंढ ढांड के मिल गया, किसी ने गिफ्ट किया था बहुत टाइम पहले और उसको अभी यूज कर रही हूँ। तो एक्सपायरी तो नहीं हो गया था? पता नहीं। तो देखिए, मैंने ब्लेंड कर लिया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए, मैंने एक आँख में ग्लिटर लगा लिया है
और दूसरे आँख में भी लगा लूँगी, और इसका बहुत ज़्यादा फॉल आउट संभाल के लगाइएगा हो रहा है। प्रेस्ड ग्लिटर है लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, फॉल आउट हो रहा है, पूरा फेस पे लग जा रहा है, तो संभाल के थोड़ा लगाइए। देखिए इस तरह से लग दिखेगा तो बहुत प्यारा, लेकिन तो बहुत संभाल के लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संभाल के। और अब मैं हाइलाइटर आईब्रो के इधर भी लगा देती हूँ, जस्ट टू डिफाइन एक हाइलाइट, हल्का हल्का लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है, शेड मतलब एक ट्रांजिशन शेड लगे और वो आँख को और हाइलाइट करें। मैंने देखा है यूजुअली हम जब मेकअप करते हैं तो हम थोड़ा लाइट मेकअप करते हैं, ये तो काफ़ी डार्क है क्योंकि कैमरा में लाइट मेकअप पिकअप ही नहीं करता है, उसको थोड़ा सा डार्क रखना ही पड़ता है। तो मैंने हाईलाइट कर लिया है आईब्रोज, अब थोड़ा सा फॉल आउट को क्लीन करके और हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे। और ये फुटबॉल खोल रही है, फुटबॉल में पता नहीं क्या रखी है। ये वो लैक्मे का सूफले है और गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, और सभी स्किन मतलब सभी स्किन टाइप्स लगा सकते हैं, ड्राई स्किन भी लगा सकते हैं, आई थिंक गर्मी में तो लगा ही सकते हैं सब लोग, क्योंकि ये पूरा मैट फिनिश मतलब एकदम स्मूथ पाउडर ही रहता है और अच्छा फिनिश देता है। गले में लगा लीजिए। हाँ गले में तो लगाऊंगी, कान में लगाऊंगी, इतना पसीना छूट रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। कर सकते हैं मेरा ब्यूटी ब्लेंडर की जगह, या आप इससे भी कर सकते हैं ब्रश, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही स्टार्ट करूँगी करना। इससे क्या है ना, प्रोडक्ट तो खा जाता है ब्यूटी ब्लेंडर लेकिन एक स्मूथ फिनिश देता है। तो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया, उसी बीच मेरा ब्यूटी ब्लेंडर भी उछल के गिर गया क्योंकि गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है। अब उसके बाद क्या पोतेंगे? कोई बात नहीं, क्या पोतेंगे। फिर से कंसीलर लगा के, सेम कंसीलर अभी अंडर आई में, और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पिगमेंटेशन है, मेरे ओपन पोर्स हैं, लेकिन मैंने सब लोग दिखाते हैं कि वो लगाया पूरा प्लेन हो जाता है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट है, या जो मेकअप आर्टिस्ट है वो लोग करके दिखाएं कि कैसे ब्लेंड हो रहा है, क्योंकि मेरा तो जाता ही नहीं है, कितना भी कुछ भी कर लो। जैसे इन लोग जो जितने मतलब यूट्यूब में जितने वीडियो बनाते हैं मेकअप का, उसमें तो नहीं जाता, उसमें तो पूरा दिखाते हैं कैंसर। हाँ। देखिए मेरा काफ़ी यहाँ पर पोर्स है, ओपन पोर्स है एक्चुअली। मुझे बहुत पहले बचपन में ना दवाई के रिएक्शन फेस पे हो गया था, उसी के कारण काफ़ी मेरा फेस ख़राब हो गया था। एक टाइम ऐसा था कि मैंने 3 महीना अपने आप को आईने में देखा ही नहीं था, इतना बुरा मेरा फेस हो गया था विद दवाई की रिएक्शन हो गई थी। और तब से ना ऐसे हो गया, मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स किए, मतलब फेस के लिए जैसे लोग करते ही हैं। मैं क्या ढूंढ रही हूँ, वही मैं भी सोच रही हूँ, मैं ब्रश ही ढूंढ रही हूँ कि भाई ढूंढ क्या रही है ये। क्योंकि बात कर रही थी तो ढूंढ रही थी, तो फिर फ्रेंड्स तो ऐसे हो गया। तो मैं बहुत प्रोडक्ट्स मतलब बहुत पार्लर में बहुत ट्रीटमेंट्स सब किया, लेकिन वो गया ही नहीं। हाँ हल्का ज़रूर हो गया है जो पहले था उससे, लेकिन गया नहीं, वो एकदम से ख़त्म नहीं हो गया कि खत्म कह दे कि हाँ एकदम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मैं उसके साथ जीना सीख ली हूँ, तो मुझे अभी कोई फ़र्क, पहले बहुत फ़र्क, जब यंग रहते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि सबका स्किन प्लेन है, मेरा नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया, लेकिन इट्स ओके, ब्यूटी लाइज इन द बीहोल्डर्स आई, तो ठीक है, यही मेरा ब्यूटी है, इसी को मैं फ्लॉन्ट करती हूँ अभी। तो ये बात करते करते मैंने अपना कंसीलर को अच्छे से लगा ही लिया, और अच्छे से लग गया अभी एकदम। हाँ ये सबको सेट कर देते हैं पाउडर लगा के, मैं सेम ये लूज पाउडर लेके सेट कर ले रही हूँ अपना अंडर आई, पूरे फेस में नहीं लगाएगी ना, पूरे फेस में ही लगाऊंगी क्योंकि स्वेट ऐसे पागलों के ऐसे स्वेट हो रहा है तो पूरे फेस में।
फ्रेंड्स, मैं फिर से ये आई शेडो ले रही हूँ, पर्पल वाला जो मैंने लिड पे लगाया था। अब मैं उसको लोअर लैश लाइन में लगा लूँगी ताकि ना हमारा आई लुक कंप्लीट लगे, अधूरा अधूरा सा नहीं लगे। ज़्यादा मत पोतना, नहीं तो तू क्या है, एक ही चीज़, ज़्यादा मत पोतना, ज़्यादा मत पोतना, ईद है भाई, पोतना ही पड़ेगा। वो भी है भाई, और शाम के भाई, चाहे शाम के टाइम है, चाहे जो भी हो, हाँ, पर ईद है भाई, इतने दिन से रोजा रखा है तो तैयार तो होतेंगे ही ना, और नहीं तो क्या, तभी ये तैयार होना, और तैयार होंगे तो नो कॉम्प्रोमाइज, फुल ऑन तैयार होना है। भले हम घर पे ही रहे पर तैयार तो होंगे ही ना अच्छे से। अब बारी है आईलाइनर की, एक आंख में मैंने लगा लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है अभी, बहुत ज्यादा भाई। अब मैडम का सुनो, जल्दी जल्दी करो, मेरे को बहुत लगने लगी है, उसके लगने लगी, और मैं कब से मेकअप कर रही हूँ मुझे नहीं लग रही है, मेरे को अभी तक नहीं लग रही थी पर अब ओवर हो गया है। सो देखिए मैंने लगा लिया है, अच्छा ही लगेगा क्योंकि मैं तैयार हो रही हूँ। मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद है। आई लव मेकअप। एक्चुअली मेकअप लवर्स लोग ही यूट्यूब में है ना, सबको मेकअप पसंद है, और लड़कियों को तो खासकर पसंद ही आता है। अब मैं ऊपर भी आईलाइनर लगा ले रही हूँ, हल्का सा, मतलब पतला सा, ताकि अधूरा नहीं लगे कुछ भी, कोई विंग विंग कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल सा लगा ले रही हूँ। तो मैं ऑफ कैमरा जाके लगा लेती हूँ। क्या है इतना दाने दाने जैसा? ये ब्रॉन्जर है बॉडी शॉप का। तो देखिए आई मेकअप मेरा फुल कंप्लीट हो गया है, और अब हम ब्रॉन्जर यूज़ करने जा रहे हैं। ज़्यादा मत लीजिए, बहुत पिगमेंटेड है वो, बॉडी शॉप का तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो थोड़ा थोड़ा ही लेना। मुँह टेढ़ा कर लो, किसी को चिढ़ाना है तो कर लो। ये मींस एक स्ट्रक्चर देता है फेस पे, और अच्छा लगता है, मतलब चिजल्ड लुक देता है। इग्नोर माय दिस एरिया, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई उसका इलाज ब्यूटी ब्लॉगर या कोई एक्सपर्ट कोई मुझे एक सजेशन देना चाहता है तो दे सकते हैं कि कौन सा कंसीलर यूज़ करूँ तो वो पूरा अच्छा स्मूथ दिखे। प्लीज़ मैक वाले लोग के पास बहुत सारे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं रहता। मैंने तो कभी देखा नहीं है कि वो पूरा नाक के साइड में थोड़ा सा, हाँ नाक के साइड में भी लगाते हैं ना। तो अगर कोई सजेशन है तो बताइएगा कि कैसे करें ये जॉ लाइन के इधर। इसके बाद हम ब्लश लगाएंगे। चलिए अब हम ब्लश ऑन लगाते हैं। अरे ये वही है क्या जो तू गिरा के तोड़ दी थी? याद है आपको, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मेरा ये टूट गया पीच वाला, तो इसमें पिंक है, तो पर्पल के साथ पिंक कॉम्प्लीमेंट करता है, तो हल्का सा हम ड्रेस में पिंक भी है। पिंक है, आओ देखिए ना, ये एम्ब्रॉयडरी है ना, पिंक कलर, पिंक। तो मैं पिंक ब्लश ऑन लगा दूंगी। स्माइल बड़ी वाली। तो देखिए ब्लश ऑन हो गया, वेल लग रहा है ना, ठीक लग रहा है। अभी हाइलाइटर की बारी है। ये कौन से ब्रश से कर रही है? फैन ब्रश किधर गया? फैन ब्रश घर पे भूल गई लाना। पूरा सामान लाना चाहिए ना देख के। हाँ मुझे लगा तेरे से ले लूंगी, फिर याद आया तेरे पास है ही नहीं मेरे पास, तो मैं भी काम चलाती है। हाइलाइटर लगाते हैं, हाइलाइटर अभी जो ब्लश ऑन है ना उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और हाइलाइटर तो आजकल सबको बहुत पसंद आ रहा है, हाइलाइट करते रहो क्योंकि पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, एकदम ग्लो देखिए, वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा खिल के आ जाता है, एकदम बढ़िया लगता है, एकदम बढ़िया, मज़ा आ जाता है। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ कि कुछ भी नहीं लगाती हूँ ना, सिर्फ हाइलाइटर लगा लेती हूँ, तो एक है ना नेचुरल सा ग्लो आ जाता है, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा नोज के पास लगा लेती हूँ, हाँ थोड़ा सा नोज, थोड़ा सा चिन, सब जगह हाईलाइट कर लो अपने आप को।
उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा इधर, मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये आप देखोगे खत्म हो रही है। मेरी फेवरेट है कलर बार की ये पिंक लिपस्टिक है, देखिए। अब मैं फुल तैयार होके आती हूँ। ये मैंने हुडा ब्यूटी का फिक्सिंग स्प्रे कर लिया ताकि आपका ज़्यादा नहीं मेकअप अच्छे से टिका रहे। इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा। देखिए मैं तैयार हो गई फुल, एकदम फाइनल लुक। और ये इयररिंग्स भी ऐसे लटकन वाले पहन लिए, सोचा था पासा पहनूंगी लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कौन से डायरेक्शन में और कैसे पहनते और लगाते हैं, फिर मुझे उल्टा पुल्टा नहीं करना था इसीलिए। तो अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप ऐसे करके साइड में कर लीजिए, साइड में कर लीजिए, ये भी अच्छा लगता है लुक। मेरे तो इतने लंबे बाल नहीं हैं तो मेरे आ जाएंगे ऐसे ही। और ये मेकअप लुक हमने ईद के लिए तैयार किया है, और ये जब वीडियो हमारा जाएगा उसके दो दिन बाद ईद पड़ेगी, ईद तो पड़ेगी। हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक, ईद मुबारक। अगर आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है ना, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्मैश ट्यूबर एंड हैप्पी ईद।